गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसे बनेट। दोस्तों, नवनियुक्त शिक्षकों को सैलरी कब तक मिलेगी? दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर आपको सैलरी कब तक दिया जा सकता है। दोस्तों, क्या कहता है ऑफिशियल लेटर? दोस्तों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से जो लेटर जारी किया गया था उसके अनुसार आपको कब तक सैलरी मिल सकती है। पिछले एक महीने से ज़्यादा समय हो गया दोस्तों जब हम लोग विद्यालय में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक सैलरी को लेकर के कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, कब दी जाएगी, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं दोस्तों, अधिकांश लोगों का चयन, किसी का 100 किलोमीटर दूर हुआ है तो किसी को 300 किलोमीटर दूर हुआ है तो किसी का 200 किलोमीटर दूर हुआ है, और आने जाने में परेशानियां तो हो ही रही हैं, साथ ही साथ खर्च भी काफ़ी हो रहा है। दोस्तों, इस बीच तमाम अभ्यर्थियों की तरफ से एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है कि आखिर हमें सैलरी कब दी जाएगी। दोस्तों, तो आइए देखते हैं जो ऑफिशियल लेटर बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी किया गया था। दोस्तों, अपर मुख्य सचिव संजय सर की तरफ से 15 फरवरी 2022 को, उसमें एक पॉइंट यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया था। आप 4 नंबर पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे स्पष्ट ये किया गया है कि चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थियों को शेष सभी प्रमाण पत्रों की जांच दिनांक 30 सितंबर 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य लेकर संबंधित प्राधिकार कार्य करेंगे। सभी प्रमाण पत्रों के उल्लिखित अवधि में सत्यापन उपरांत वेतन इत्यादि का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है दोस्तों कि 30 सितंबर, आप यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट को देखिएगा, जहाँ पे लिखा गया है कि 30 सितंबर 2022 तक उस समय सीटेट और बीटेट की प्रमाण पत्र की जांच करके और सभी नवनियुक्त शिक्षकों को विद्यालय योगदान करा दिया गया था। और वहीं पे लिखा गया है कि बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है उनके लिए डेडलाइन दी गई थी 30 सितंबर 2022 तक पूर्ण करके सभी नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका सभी प्रमाण पत्रों की जांच 30 सितंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य लेकर और संबंधित प्राधिकार कार्य करेंगे, संबंधित नियोजन इकाई कार्य करेंगे कि 30 सितंबर तक सबका सभी डॉक्यूमेंट्स की जांच हो जानी चाहिए। और सभी प्रमाण पत्रों के उल्लेखित अवधि में, मतलब 30 सितंबर तक हो जाने के बाद वेतन इत्यादि का भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, जो ऑफिशियल लेटर है उसके आधार पे आपको जो सैलरी दी जाएगी दोस्तों, वो 30 सितंबर के बाद, 30 सितंबर तक सभी प्रमाण पत्रों की जांच हो जाएगी और उसके बाद ही आपको सैलरी दी जाएगी। ये ऑफिशियल लेटर है दोस्तों, लेकिन बिहार से संघर्षशील शिक्षक संघ कोर टीम प्रयासरत है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों, नवनियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द वेतन मिले, इसके लिए प्रयासरत है और बहुत जल्द उसके लिए सचिवालय में भी ज्ञापन दिया जाएगा दोस्तों कि जल्द से जल्द सभी नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन वगैरह दिया जाए, वेतन का भुगतान किया जाए। दोस्तों,